हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं आरईसी लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस, जिसका डिविडेंड यील्ड यहां पर लगभग लगभग 9.5% निकल करके आता है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। यहाँ पर एनालिस्ट की रेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कितना बताया जाता है, 100% एनालिस्ट यहाँ पर आपको सजेस्ट करते हैं बाइंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने आपको बताया ट्रिकर टेप पे 100% एनालिस्ट की राय यहाँ पर निकल करके आती है कि आपको यहाँ पर बाइंग करना चाहिए। पांच एनालिस्ट इस पे यहाँ पर कवरेज करते हुए आपको दिखाई देते हैं, लेकिन क्या अभी हमें इसमें बाइंग करना चाहिए, इस पर हम करेंगे चर्चा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिए एक रेंज बनी है 110 रुपए से लेकर के ऊपर 125 रुपए तक। इस रेंज के बीच में भी स्टॉक आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 123, मतलब अपने रजिस्टर्स के पास। तो क्या यहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए? तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यही डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। नीचे की तरफ अगर बात की जाए तो जब स्टॉक 110 पे आया था तब यहां पर भी हमने कंसोलिडेशन देखा था। ये देखिएगा यहां से स्टॉक में तेजी आती है, 125 रुपए तक हमें स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया। फाइनली एक हल्का सा रिजेक्शन, फिर से रिटेस्टिंग होती है 125 रुपए के लेवल की, और इसके बाद होती है गिरावट, और ये गिरावट एक बार फिर से लगभग लगभग 110 रुपए के आसपास स्टॉक को लेकर के आती है, और एक बार फिर स्टॉक ऊपर की तरफ 123 तक जाने के बाद नीचे की तरफ एग्जैक्ट लेवल 110 रुपए को टच करता हुआ हमें दिखाई दिया। यहां पर आप देखेंगे एक हल्की तेजी आती है, फिर से स्टॉक गिरता हुआ दिखाई देता है और सपोर्ट मिलता है नीचे की तरफ कहां पर 110 पे, मतलब 110 एक स्ट्रांग सपोर्ट यहां पर बन चुका है। बात करें ऊपर रेजिस्टेंस की तो यहां पर आप देखिए 125 के ऊपर स्टॉक गया था लगभग लगभग 128 रुपए तक, लेकिन इस ब्रेकआउट ने भी सस्टेन नहीं किया और यहां से फिर गिरावट हुई। यहां पर हमने देखा लगभग लगभग 113 रुपए तक की गिरावट फिर से होती है, और यहां से स्टॉक फिर ऊपर की तरफ चल ही रहा था कि 125 रुपए तक जाने के बाद फिर से रेजिस्टेंस फेस हुआ। ये देखिए 125 रुपए का जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये देखिएगा यहां पे स्टॉक क्या कर रहा है, बार बार हमें रिजेक्शन दिखा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कई सारे रिजेक्शन आपको देखने को मिले। यहां से जो रिजेक्शन मिला उसका स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा अभी आपको बाइंग अवॉइड करना होगा। उसका कारण समझिए, यदि 110 रुपए के आसपास स्टॉक होता डेफिनेटली हम एंट्री करते 125 रुपए के टारगेट के लिए और नीचे की तरफ 105 रुपए का स्टॉप लॉस रखते। लेकिन यदि आप यहां पर 123 पे बाइंग करेंगे तो आपका टारगेट आप क्या रखेंगे? यहां पर अभी ब्रेकआउट फिलहाल हुआ नहीं है तो यहां पर स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा वेट कीजिए। तो वेट करके हमें क्या करना है, यहां पर आप देखिएगा यदि स्टॉक ऊपर जाता है, यदि स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है 125 रुपए के लेवल को तोड़ करके ऊपर क्लोज होता है, मतलब कहने का जो कैंडल बने वो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे और सस्टेन कर ले एक दो दिन 125 रुपए के ऊपर, एक दो दिन स्टॉक ने पॉजिटिविटी सस्टेन कर ली तो यहां पर हम बाइंग करके ऊपर की तरफ 135 140 रुपए तक के टारगेट रख सकते हैं। लेकिन वो सिनारियो ब्रेकआउट का है, यदि ब्रेकआउट होगा तो। लेकिन यदि इस रेजिस्टेंस ने फिर से रिजेक्शन किया तो स्टॉक नीचे भी आ सकता है, और यदि नीचे की तरफ गिरता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 110 रुपए के आसपास यदि आपको स्टॉक दिखाई दे और यहां से कोई वापस से रिवर्सल दिखता है तब आप यहां पर बाइंग करेंगे, सेफ एंट्री होगी। नीचे की तरफ 5 पॉइंट की रिस्क रहेगी, 105 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ जो टारगेट है शॉर्ट टर्म का वो आपको कम से कम 125 रुपए का यहां पर फिर से देखने को मिल जाएगा। तो मैं दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, यदि ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है तो आपको क्या करना है, यहां पर यदि ब्रेकआउट होगा तभी आप यहां पर एंट्री करेंगे जो कि 128 रुपए के आसपास की आपकी एंट्री होगी, और ऊपर की तरफ बात करें तो टारगेट 140 का होगा। लेकिन यहां पर जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो कितना निकल करके आएगा, तो 120 रुपए का। लेकिन यदि स्टॉक ऊपर जाता ही नहीं, ब्रेकआउट नहीं करता तो आपको क्या करना है, रिवर्सल में 110 के आसपास बाइंग करके 125 का टारगेट और नीचे की तरफ 105 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस रख करके आप एंट्री कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड है, उसके बावजूद आपको अभी एंट्री नहीं करना, उसका कारण मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यदि एंट्री करेंगे तो बड़ा रिस्क अभी आपको लेना होगा, यदि ब्रेकआउट होगा उसका एंट्री करें या फिर यहाँ पर गिर करके 110 पाएगा उस समय आप एंट्री ले सकते हैं। तो फिर ये था हमारा टेक्निकल व्यू आरईसी लिमिटेड शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।